करप्ट पुलिस वाला जनाब ना मेरी एफआईआर काट रहे है, ना मेरी कोई बात सुन रहा है, मुझे तंग कर रहे हैं पुलिस वाले जनाब। मैं क्या करूं, मैं कहां पे जो मेरी आवाज कौन सुनेगा। पहली तो बात है, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ये चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इनका हल है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, डरना शरना नहीं इस मुल्क में। आप जब कॉम्पिटेंट और राइट फॉरम पे जाके काम करेंगे ना, इंशाल्लाह ना पुलिस आपको छेड़ेगी, ना किसी की जरूरत होगी कि आपको नाजायज तंग करे, और आपके काम भी होंगे। आईजी पंजाब साहब ने जनाब एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया था, बड़ा पुराना, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए जिन लोगों को नहीं पता इस चीज का, कि अगर आपकी पुलिस एफआईआर नहीं काटती, आपकी तफ्तीश है वो तफ्तीश से ही नहीं कर रही, फ्रॉड हो रहा है, पुलिस आपको बेजा तंग कर रही है, किसी के कहने पे आपको तंग कर रही है। कोई देखिए 100 बंदे पार्टियां मिल जाती है अगली वो उसके पुलिस के साथ, तो आप क्या करेंगे? आपके पास भी तो कोई रास्ता होना चाहिए, आपके लिए भी कोई हल होना चाहिए ना। ये जरूरी बातें हैं, हमें पता ही नहीं है। पहले था इधर जाओ उस फॉर्म पे जाओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपका काम हो जाना है। और मैं कहता हूँ पुलिस वाले आके आपको एक्सक्यूज करेंगे, माफी मांगेंगे, भाईजान मेहरबानी करो, साड़ी जान छुड़ाओ, सानू असी तुहानू कुछ ना आखण ले। पुलिस को सबसे प्यारी चीज पता है क्या है? उसकी नौकरी, उसकी रेपुटेशन इन पुलिस सर्विस। आपकी जब रेपुटेशन आपके खिलाफ कंप्लेन्स कम होंगी ना भाईजान, तुम्हारी तरक्की होगी, तुसी फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लगोगे, सब इंस्पेक्टर लगोगे, इंस्पेक्टर लगोगे, डीएसपी, फिर एएसपी, एसपी, डीपीओ, जनाब आपका रैंक बढ़ता जाएगा। वाई? आपका जो इमेज है, रेपुटेशन है, अच्छी है। पुलिस को ये खतरा रहता है यार मेरी रेपुटेशन ना खराब हुआ, यार किसको नहीं रहता। आपने उस चीज को टारगेट करना है, अगर आपको कोई नाजायज तंग कर रहा है तो उसी ने नाजायज तंग करना, अदरवाइज तुम भी तंग हो सकते हो। कोई पुलिस वाला भाई आपको तंग कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, आपकी जनाब तफ्तीश सही नहीं हो रही, डिले इन एफआईआर है, 100 मामलात है, एक काम करना है, फोन उठाएं, 1787 नंबर है, उस पर आपने कॉल मिलानी, समझ लो जनाब सीधा आईजी के ऑफिस कॉल जा रही है, उधर जनाब आपने उनको मामला बताना है, जी भाईजान फलां थाने का फलां पुलिस वाला, फलां उसका नाम है, ये उसका रैंक है, भाईजान ये मेरे मुझे तंग करता है, बेजा तंग करता है, दूसरों के साथ मिल गया, ये मामला है, उसका रिश्तेदार है, दोस्त है, जो भी है, वो जनाब मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी जनाब एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, मेरी तफ्तीश का मसला है। जनाब विद इन वन डे तुम्हारी कंप्लेन सुनी जाएगी, तुम्हारा जरा केस है वो मार्क होवेगा जनाब डीएसपी, उसके ऊपर वाले रैंक, अगर आपको एसएचओ तंग कर रहा है डीएसपी के पास जाएगी, डीएसपी तंग कर रहा है डीपीओ के पास जाएगी, डीपीओ सब तंग कर रहे हैं, आरपीओ सीपीओ लेवल ऊपर चलता जाएगा। ये चीज है, जब उनकी कंप्लेने जाती हैं, उनको फोन आते हैं, भाईजान आपके खिलाफ आई है ये वो केस, ऐसे वो घबरा जाते हैं, वो फिर आवन के तुहाडे कोल, भाईजान मेहरबानी, माफी, तलाफी, सारा कुछ चलेगा, लेकिन फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपका काम भी होगा, लेकिन ये किसने स्टेप लेना है? आप लोगों ने स्टेप लेना, आपकी जगह पे किसी ने स्टेप नहीं लेना। डरना शरना नहीं है, रहना है तो डट के रहना है। तो ये चीज है, आप लोगों को मुझे उम्मीद है इस वीडियो से काफी कुछ मिला होगा, और इनशाला काफी कंटेंट मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, इनशाला नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।